हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन पूरी डिटेल में होगी और अच्छे तरीके से होगी, जिस तरीके से आप लोगों को मैग्नेट चार्जिंग की वीडियो चाहिए था। तो देखिए, यहां पर मेरे पास यह एक नमूना मैग्नेट चार्ज हो रहा है, मैंने दरवाजे पर चिपका रखा है फोन। तो देखिए यहाँ पर, अब इसमें क्या करना है हमें, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नेट आया हुआ है और ये मैं मशीन डाल चुका हूँ ऑलरेडी यूट्यूब पे। और यह देखिए मेरा मशीन से स्टम्प चार्ज हो रहा है। और स्टम्प पहले देखिए छोटा फ़ैन लगा था, अब इसमें हमने बड़ा फ़ैन लगवा दिया है और यह गर्म हवा भी अपना फेंक रहा है पूरी तरीके से। और यह हमारी डबल वाली है। ये कपड़ा क्यों लगा रखा है? अब ये ऐसा नहीं है कि नीचे कपड़े के नीचे देखिए कुछ छिपा रखा है, नहीं। यह इसमें ऐसा है कि जो ये लोहा निकालते समय यहाँ पर, ताकि एक दागीपन ना आए, क्योंकि मशीन नई है, ये किसी पार्टी को हैंड ओवर जाने को है, तो इसलिए रख रखे हैं ताकि एक निशान ना पड़े। तो और अभी हमारे स्टूडेंट यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। और देखते हैं कहाँ से आए जी आप? बहराइच से सर। बहराइच से? क्या नाम है? शिवम जायसवाल। शिवम जायसवाल जी, कितने स्टूडेंट हैं टोटल यहाँ पर? कितने स्टूडेंट हैं? इसमें तो 12 लोग हैं। 12 लोग हैं जी सर। और कैसे है आप लोगों का फैसिलिटी यहाँ का? अच्छा है सर। और जगह से बढ़िया है? बढ़िया है। और आप कहाँ से आए हैं? बाराबंकी से जी सर। बाराबंकी से? आप तो पहले भी यूट्यूब पे आ चुके हैं जी। और अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? जी इसमें मैग्नेट चार्ज कर रहा हूँ। मैग्नेट चार्ज कर रहे हैं, तो पहली बार देख रहे हैं मैग्नेट चार्जिंग जी? तो करके कोई बताएंगे? बताइए। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं? ये मैग्नेट है। अच्छा, मैंने थोड़ा जोर से बोलिए। इस पे मेरा यन लिखा हुआ है। हाँ, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वाला। मतलब हाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम एन और पी करके चार्ज करते हैं। तो एन करिए, यन हमारा उल्टा रखा जाएगा। हाँ, अब यह आप लोगों को जानना है कि एन का कैसे डिसाइड किया गया है, तो ये भी, ये पूरी मशीन खरीदेंगे तो पूरा डिसाइड करके बताया जाएगा कि एन मशीन की पहचान कैसे किया गया है। तो अभी इसमें मैग्नेट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, देखिए नहीं है इसमें, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं और देखिए दो बिस्किट एक साथ हमारे चार्ज होते हैं, ठीक है जी। लगाइए, आप क्या करेंगे? इसको इसके ऊपर रख देंगे। रख देंगे, चलिए। ये रख दिया आपने? जी सर। पक्का? आप क्या करेंगे इसमें? थोड़ा सा ये बताइए, ये हमारा वोल्टेज है और ये हमारा, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए दबाइए, बटन दबाइए, देखिए एक मिनट। हाँ, दबाइए, क्या करेंगे बोलिए? अब इस वाले बटन को दबाना है। दबाइए, आप इसको निकालिए, इसमें थोड़ी ताकत लगेगी पूरी। अब ये देखिए, इनके पास का है नहीं निकालना, निकाल लिए हैं, रोटी तो खाए हैं। जिम जाते हैं जी? नहीं, जिम नहीं जाते। जिम नहीं जाते हैं? और अगर आप लोगों को ये मशीन चाहिए तो मेरे पास आके ले सकते हैं। और ये देखिए, अब चिपका के दिखाइए जी, पेचकस वगैरह से देखिए, इनका हाथ से इनसे चिपक चुम आगे जी। जी सर। अब ये क्या लगता है, ये बताइए, ये चार्ज होने के बाद ये लोहा उठ जाएगा इससे? उठ जाएगा। हाँ, देखते हैं, छोड़िए। देखिए कितना किलो का लोहा है ये? कम से कम 3 किलो का। 3 किलो का, 2.5 से 3 किलो का है, देखिए। और इतनी इजिली स्मूथली उठा हुआ है, देखिए। मैं पैर आगे करिए ताकि गिराए। अरे भाई देखिए, ये देखिए यहाँ पर, देखिए मैं हिला रहा हूँ फिर भी नहीं छूट रहा है, देख रहे हैं? तो यह पूरा हमारा मैग्नेट क्या हुआ जी? चार्ज हो गया है। और इसी के साथ इसकी फ्रिक्वेंसी आप लोगों को चेक कराते हैं, तो चलिए फ्रिक्वेंसी चेक कराइए। पहले दूसरा एक और चार्ज करके दिखाइए, चलिए पी चार्ज करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसको दूर रखिए नहीं तो टूट जाएगा वो, चार्ज हो चुका है, हाथ में पकड़ लीजिए जी। पी हमारा सीधा जाएगा। हाँ, पी हमारा सीधा जाएगा। अगर ये जानना है कि एन और पी कैसे डिसाइड किया है तो मेरे मशीन लीजिएगा, तो वो मैं पूरा डिटेल में वीडियो दूंगा आप लोगों को। हाँ, दबाइए, देखिए ये हमारा बटन दबा दिया है, चार्ज हो गया जी। जी, निकालिए, चलिए, नहीं निकल रहा है जी? नहीं निकल रहा। आप तो जिम जाते हैं जी? नहीं। हाँ, आर्मी में जाने को है ना जी? तो फिर आपसे भी तो नहीं निकल रहा है, निकल जी, जाएगा जी? नहीं, बहुत टाइट है। बहुत टाइट है जी। भोजपुरी आती है जी? नहीं। नहीं आती है जी? नहीं। तो भोजपुरी में हम बोलना थोड़ा सा बोलते हैं आपसे, अगर आप लोगों को मतलब कि ये मशीन खरीदे के बाद, मतलब ये मैग्नेट चार्जिंग के मशीन खरीदे के बाद, तो जो नंबर लौका था स्क्रीन पर, वो पर फोन कर लिया जाओ और ओकरा बाद मशीन आप लोगों को मिल जाए। और किसी प्रकार के आप थोड़ा हिंदी बोल देते हैं, नहीं तो हमारे व्यूवर्स भड़क जाएंगे, बोलेंगे क्या बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए फ्रीक्वेंसी चेक कराइए, आइए। तो देखिए यह फ्रीक्वेंसी मशीन है और इसको निकालते हैं, निकालिए, हटाइए इसको। ये देखिए इसका हमारा क्या है, ये हमारा सेंसर है इसका, आराम से खोलिए, इसको घुमाइए इसको। और यह इसका मेन पावर कोड है, इसको हम एसी सप्लाई में दे देंगे, देखिए यहाँ पर।
दे देंगे। और यहाँ पर बटन एक लगा है, उस बटन को क्या करेंगे जी, ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको जब रूटर के में रूटर में मैग्नेट नहीं लगा होगा तो ये 22 से 23 के समथिंग दिखाएगा, और जब रूटर में लगेगा तो 28 से 29 दिखाएगा। लगाइए कितना दिखा रहा है जी, ऐसे कितना दिखा रहा है देखिए, 24.5 दिखा रहा है। जब ये रूटर में पूरा रूटर बन जाएगा तो ये 29 दिखाएगा, बिल्कुल चार्ज हो चुका है। और यह अगर आप लोगों को पूरी मशीन चाहिए तो डायरेक्टली मेरे को कॉल कीजिए और ये मशीन आप लोग प्राप्त कीजिए। तो चलिए एक दो चार और मशीनें चार्ज करके दिखाइए आप लोग इनको। और आप लोगों का इसमें कई आदमी का क्वेश्चन होता है कि सर मशीन की वारंटी या गारंटी क्या है, तो देखिए इसकी पूरी मशीन की वारंटी होती है, गारंटी नहीं होती, गारंटी होता चेंज करना, वारंटी होती है। इसमें जैसे कि कॉइल ख़राब हो गया या इस पार्ट में कोई आपकी ख़राबी आ गई तो आप लोग डायरेक्टली, आप लोग अगर जैसे मैं वीडियो कॉलिंग करके देखूंगा, अगर कोई कंपोनेंट ख़राब है जैसे अंदर का कोई भी पार्ट्स ख़राब है तो यहां से मैं इसको क्या करूंगा, कोरियर भिजवा दूंगा। अगर ठीक होने वाला नहीं है वहां पर, अगर आपसे ठीक होने वाला नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक तरफ का पैसा आपका लगेगा भाड़ा और एक तरफ का भाड़ा मेरा लगेगा। जैसे कि अगर आप लखनऊ से हैं या दिल्ली से हैं या आप वेस्ट बंगाल से हैं या आसाम से हैं या महाराष्ट्र से हैं, कहीं से भी हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक तरफ का पैसा आपका लगेगा, जो भी भाड़ा का पैसा जाएगा, 200 जाए, 400 जाए, 500 जाए या 1000 जाए, वो आपका एक तरफ का होगा, एक तरफ का मेरा होगा बाई हिजक, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर हम लोग आप लोगों को पूरा ये मैंने बता दिया है। और दूसरी चीज़ आप लोग पूछते हैं कि सर इसकी क्या मैग्नेट चार्ज किया हुआ टिकता है या नहीं टिकता है, तो इसका मैग्नेट चार्ज किया हुआ 100% बिल्कुल ओके है। मैंने बाय टेस्ट के साथ ये मशीन, हमने यह मेरी कम से कम 8वीं या 9वीं मशीन होगी जो मैं इस टाइम सेल कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो ले सकते हैं। और मेरी जो एक यूट्यूब चैनल पे जो आप लोगों का विश्वास है, उस विश्वास के साथ इसको ले सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।